मुंबई में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन काफी ग्रैंड होता है। इस खास मौके पर हर साल मुंबई में लाल बागचा राजा को स्थापित किया जाता है। इस साल भी भव्य अंदाज में उसकी झलक सामने आई है। दूर दूर से लोग लाल बागचा राजा के दर्शन करने पहुंचते हैं। फिल्मी सितारे भी बप्पा की एक झलक के लिए पंडाल में जरूर आते हैं। ये मूर्ति स्थापना का 91वां साल है। आज यानी शनिवार सुबह 4 बजे प्राण प्रतिष्ठा और 6 बजे आम नागरिकों के लिए दर्शन की शुरुआत की गई। बता दें, इस साल गणपति की मूर्ति काफी भव्य है और इसे सोने के आभूषण और मुकुट से सजाया गया है। सिंहासन पर बैठे बप्पा को वेलवेट के मरून वस्त्र पहनाए गए हैं। इस साल मूर्ति में जो चीज सभी का ध्यान खींच रही है वो है बप्पा का मुकुट। अब आखिर इस मुकुट में क्या खास है और इसे किसने दिया, आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें, लाल बागचा राजा के सिर पर सजा 20 किलो का भव्य सोने का मुकुट सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये मुकुट किसी और ने नहीं बल्कि अंबानी परिवार के लाडले छोटे बेटे अनंत अंबानी ने अर्पित किया है। इस मुकुट को बनाने में 2 महीने लगे हैं और इसे काफी सावधानी के साथ तैयार किया गया है। अनंत अंबानी की ओर से दिया गया ये मुकुट लाल बागचा राजा समिति के साथ उनके लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का प्रमाण है। बता दें, पूरे अंबानी परिवार की तरह ही अनंत अंबानी की धार्मिक कार्यक्रमों की विशेष रुचि है। वे हर पर्व को भव्य अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं। बीती शाम उन्होंने एंटीलिया में भी गणपति बप्पा का भव्य स्वागत किया। एंटीलिया में बप्पा की मूर्ति स्थापित की गई। पूरा अंबानी परिवार बप्पा के स्वागत में लगा नजर आया। वहीं नई छोटी बहू राधिका मर्चेंट भी अनंत अंबानी के साथ बप्पा के दर्शन के लिए साथ खड़ी नजर आई। खबरी चौखट की रिपोर्ट।